लेकिन बहुत सारे आसन प्राणायाम का फायदा इसी के साथ जुड़े हुए हैं। पहला स्थिति अपना लीजिए, दोनों पैरों को सामने फैला के दोनों हाथ पीछे रखिए। अभ्यास केवल शारीरिक नहीं होगी, शारीरिक क्रिया के साथ हम अपना ब्रेथ के तालमेल बैठाएंगे, मन को भी जोड़ेंगे और अभ्यास को अपनाएंगे। तो प्राण मन शारीरिक क्रिया में संतुलन बैठाते हुए अभ्यास अपनाएंगे। और पहला अभ्यास हम शुरू करेंगे पैर के उंगलियां से, तो अपना ध्यान भी लगाइए अपने पैर के उंगलियां से, हम उंगलियां के ऊपर ले जाइए। सांस बाहर निकालते हुए उंगलियां को सामने झुका दीजिए, पैर की उंगलियां को सामने झुका दीजिए। सांस अंदर लेते हुए उंगलियां को ऊपर उठा के अपने ओर मोड़ दीजिए। इसी को दोहराएंगे सांस के साथ मिलाते हुए, सांस बाहर उंगलियां सामने की ओर झुकाइए, सांस अंदर अपने ओर। थ्री, सांस बाहर सांस अंदर। खाली उंगलियां को मूवमेंट देना, पैर को कोई कोई आगे पीछे कर रहे, खाली उंगलियां। सांस बाहर सांस अंदर, 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 सांस बाहर सांस अंदर। और एक बार सांस बाहर रुकते हुए थोड़ी देर रुक जाइए, 10 काउंट देने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर लेते हुए अंदर रुकते हुए रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, उंगलियां ढीला छोड़ दीजिए। अगला जोड़ है अपने टखने की जोड़, सांस के साथ मिलाते हुए अभी पैर को मूवमेंट देना है। सांस बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, सांस अंदर लेते हुए टखने पर मोड़ दीजिए अपने ओर। दोहराइए, सांस बाहर सांस अंदर। थ्री, सांस बाहर सांस अंदर। फोर, सांस बाहर सांस अंदर। फाइव, सांस बाहर सांस अंदर। सिक्स, सांस बाहर सांस अंदर। सेवन एट नाइन टेन। सांस बाहर रुकते हुए रुक जाइए थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस अंदर रुकते हुए अपने ओर मोड़ के रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। अब टखने के धुरी पर हम पैर को राउंड घुमाएंगे, दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, अपना राइट की ओर से सांस के साथ मिलाते हुए सांस अंदर सांस बाहर, एक सांस के साथ पूरा एक राउंड घुमाइए, सांस अंदर सांस बाहर। टू, सांस अंदर सांस बाहर। थ्री, सांस अंदर सांस बाहर। फोर, सांस अंदर सांस बाहर। फाइव, उल्टा घुमाएंगे दूसरी तरफ से, सांस अंदर सांस बाहर। वन, सांस अंदर सांस बाहर। टू, सांस अंदर सांस बाहर। थ्री, सांस अंदर सांस बाहर। फोर, सांस अंदर सांस बाहर। फाइव, रिलैक्स। अगला अभ्यास, पैर को घुटने पर मोड़ के रखिए, अपना राइट पैर घुटना पर मोड़ के रखिए, लेफ्ट को फैला के रखिए। दोनों हाथ की उंगलियां फंसा के रखिए जमीन के नीचे, टखना मोड़ के रखिए,
पैर की उंगलियां की रोक ऊपर की ओर। इस स्थिति से हम शुरू करेंगे, पैर को ऊपर नहीं जंघा के नीचे, हाथ लग देना जंघा के नीचे। अब तक जंघा किसको बोलते हैं, इसको बोलते क्या, ये जंघा, जंघा के नीचे। बस वो है जंघा। सांस अंदर लेते हैं, पैर फैला दीजिए सामने, उंगलियां के रुक सामने की ओर खींच के रखना। सांस बाहर निकलते हुए पहले टखना मोड़ दीजिए, घुटना मोड़ के अपने ओर खींच। तीनों जोड़ों के लिए एक्सरसाइज मिलेगा, टखना घुटना कमर जोड़। दोहराएंगे, सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव सांस अंदर सांस बाहर। रिलैक्स। हर अभ्यास को 5 से 10 बार में ही सीमित रहेंगे। अभी दूसरी पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए, टखना मोड़ के रखिए, उंगलियां के ऊपर की ओर स्टार्ट। सांस अंदर सांस बाहर, टू सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव सांस अंदर सांस बाहर। रिलैक्स। अब अगला अभ्यास, राइट पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए, दोनों हाथ लग करके रखिए जंघा के नीचे। अभी राइट पैर को पहले लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए राइट तरफ से डाउन करेंगे, सांस खाली करते हुए राउंड घुमाएंगे। एक सांस के साथ पूरा एक राउंड घुमाएंगे, राइट इस तरफ है आपका। अब लेफ्ट पकड़िए, राइट पैर को लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर राइट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर। वन घुटना के ऊपर ध्यान लगाइए, सांस अंदर सांस बाहर, टू सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव। उल्टा घुमाएंगे, राइट पैर को राइट तरफ से ऊपर उठाइए, सांस अंदर लेफ्ट की ओर से डाउन कीजिए, सांस बाहर। वन सांस अंदर सांस बाहर, टू सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव। पैर फैला दीजिए, अभी दूसरे पैर मोड़ के रखिए, लेफ्ट पैर को अभी राइट की ओर से ऊपर उठाइए, सांस अंदर और लेफ्ट तरफ से डाउन कीजिए, सांस बाहर। वन सांस अंदर सांस बाहर, टू सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव। उल्टा घुमाइए, सांस अंदर सांस बाहर, वन सांस अंदर सांस बाहर, टू सांस अंदर सांस बाहर, थ्री सांस अंदर सांस बाहर, फोर सांस अंदर सांस बाहर, फाइव। दोनों पैर फैला के रखिए, दोनों पैर घुटने पर अप डाउन कीजिए नर्मा ड्रेस के साथ, दोनों पैरों में हल्का फासला रखिए। सांस खाली करते हुए दोनों पैरों के अंगूठे बीच में ले आइए, सांस अंदर लेते हुए दोनों तरफ फैला दीजिए, सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर। अब राइट पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए, अर्धविकली के अभ्यास करेंगे। अपना राइट कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाइए, सांस खाली करते हुए घुटना ऊपर, सांस अंदर लेते हुए डाउन, राइट कमर जोड़ के ऊपर ही ध्यान। सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर
सांस अंदर राइट पोस्टर ख्याल कर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नर्मल ब्रेथ के साथ अप डाउन कीजिए। पैर फैला दीजिए, दूसरे पैर में बैठ। अभी लेफ्ट कमर जोड़ के ऊपर ध्यान, सांस बाहर घुटना ऊपर, सांस अंदर डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, थ्री सांस बाहर, सांस अंदर, फोर सांस बाहर, सांस अंदर, फाइव सांस बाहर, सांस अंदर, नॉर्मल ब्रेथ। पैर फैला दीजिए। अगला अभ्यास के लिए फिर राइट पैर को घुटना पर मोड़ के रखिए। अब घुटना में हम घुटना को राउंड घुमाएंगे, घुटना से जीरो बनाएंगे, जितना बड़ा जीरो बना सकते, कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाते हुए। अभी राइट घुटना को लेफ्ट की ओर से ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए और डाउन करेंगे, राइट तरफ से सांस खाली करते हुए एक सांस के साथ पूरा एक राउंड घुमाएंगे। स्टार्ट, सांस अंदर, सांस बाहर, वन, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव। उल्टा घुमाएंगे, राइट की ओर से ऊपर उठाइए सांस अंदर, लेफ्ट तरफ से डाउन कीजिए सांस बाहर, वन, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव। पैर फैला दीजिए, दूसरी पैर मोड़ के रखिए, लेफ्ट कमर जोड़ के ऊपर ध्यान लगाते हुए। अभी लेफ्ट घुटना को राइट की ओर से पहले उठाएंगे, सांस अंदर लेते हुए और लेफ्ट तरफ से डाउन करेंगे, सांस खाली करते हुए, सांस के साथ मिलाते हुए शुरू कीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर, वन, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव। दूसरी तरफ से, सांस अंदर, सांस बाहर, वन, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव। पैर फैला दीजिए। अभी दोनों तलवे आमने सामने रखते हुए मिला दीजिए, एड़ी जितना नजदीक ले सकते अपने और ले जाइए, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए पैर पकड़ लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए, कमर जोड़ के ऊपर ही ध्यान लगाएंगे, तितली के अभ्यास करेंगे। अभी सांस के साथ मिलाते हुए पहले करेंगे, सांस बाहर घुटने ऊपर, सांस अंदर डाउन, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ। विंटर गन स्प्रिंग के लिए इतने सारे तितली स्प्रिंग सीजन में ही देखने मिलता ना तितली। आराम से बैठ जाइए। अभी कमर जोड़ तक हमारा अभ्यास हो गया, अगला अभ्यास हम करेंगे मेरुदंड के लिए। हर जोड़ों के लिए एक्सरसाइज मिल रहा है। अभी मेरुदंड की
जितने भी ट्रेडिशनल पोस्टर्स है मेरुदंड के मूवमेंट के ऊपर आधारित है। अब कुछ क्रियाएं करेंगे जिससे मेरुदंड के लिए मूवमेंट मिलेगा। कब मेरुदंड को हम आगे झुकाते तो कभी पीछे की ओर झुकाते काउंटर पोस्टर के द्वारा, ऐसा एक तरफ झुकते तो दूसरी तरफ के झुकने का पोस्टर अपनाते, एक तरफ मोड़ते तो दूसरी तरफ मोड़ा जाता। इतना मूवमेंट अपने मेरुदंड के लिए मिलना ही चाहिए। तो पहला अभ्यास हम करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रेच के साथ दोनों हाथ सामने फैला दीजिए, सांस खाली करते हुए सामने झुका दीजिए अपना मेरुदंड को, लेकिन कमर से झुकना नहीं है, मेरुदंड को झुकाना है। सांस बाहर, पीछे की ओर मेरुदंड के लिए विस्तार मिलेगी। सांस अंदर लेते हुए मेरुदंड को ऊपर की ओर खींच लीजिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी को बगल में ले आइए और गर्दन पीछे की ओर झुका दीजिए, अपना मेरुदंड के लिए फ्रंटल स्ट्रेच मिलेगी। इसी बात दोहराएंगे, अभी सांस बाहर सामने की ओर झुकते, सांस अंदर पीछे की ओर, थ्री, सांस बाहर सांस अंदर, फोर, सांस बाहर सांस अंदर, फाइव, सांस बाहर सांस अंदर, रिलैक्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के बाद अभी साइड मूवमेंट अपनाने के लिए अभी अपने राइट की ओर झुक जाइए, बगल में अपना राइट हैंड बगल में जमीन के आश्रित रखिए, हथेली की रुख नीचे की ओर, हथेली की रुख नीचे की ओर, गर्दन साइड में झुका दीजिए, सांस अंदर लेते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर कर लीजिए और सांस खाली करते हुए मस्तक के ऊपर फैला दीजिए। अभी मेरुदंड के लिए एक तरफ अपना लेफ्ट साइड में ही ज्यादा विस्तार मिल रहे अनुभव कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाइए, नॉर्मल ब्रेथ के साथ रुक जाइए, अपना लेफ्ट तरफ ही ज्यादा विस्तारित है अपना मेरुदंड, नॉर्मल ब्रेथ के साथ 15 काउंटिंग तक मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाते हुए रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सांस अंदर लेते हुए घर सीधा, सांस खाली करते हुए हाथ वापस बैठ जाए। इसी को अभी दूसरी तरफ दोहराएंगे, लेफ्ट को झुक जाइए, बगल में अपना लेफ्ट हैंड जमीन के आश्रित रखिए, हथेली के रूप नीचे की ओर, गर्दन भी साइड में झुका दीजिए, सांस अंदर लेते हुए राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, सांस खाली करते हुए मस्तक के ऊपर फैला दीजिए। मेरुदंड के लिए अभी राइट तरफ ज्यादा विस्तार मिल रहा है अनुभव कीजिए, आंखें बंद, मेरुदंड के ऊपर ध्यान, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, 15 काउंट तक नॉर्मल ब्रेथ के साथ मेरुदंड के ऊपर ध्यान लगाते हुए रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सांस अंदर लेते हुए घर सीधा, सांस खाली करते हुए बैठ जाइए। अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड स्ट्रेच के बाद स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग देंगे। अभी सांस अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लीजिए, ऊपर की ओर खींच के रखिए, सांस खाली करते हुए लेफ्ट हथेली राइट घुटना के बाहर की ओर लगा दीजिए, राइट घुटना के बाहर की ओर। अभी राइट हैंड कमर के पीछे ले जाइए, एक बार गहरा सांस लेते हुए मेरुदंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखिए, सांस खाली करते हुए राइट की ओर टर्न लीजिए, जो हाथ पीछे है उसी तरफ टर्न लीजिए, जितने टर्न ले सकते अपने आप ही कमर के एरिया गर्दन के एरिया में मोड़ मिल रहा है मेरुदंड के लिए अनुभव कीजिए। फाइनल स्थिति में रुक जाइए, नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए,
15 काउंट देने तक नॉर्मल रिदम के साथ मेरे रिदम के पर ध्यान लगाते हुए रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस अंदर लेते हुए हाथ हटा लीजिए, अपना लेफ्ट हैंड हटा लीजिए, पीछे वाले हाथ भी वापस ले आइए, सांस खाली करते हुए बैठ जाइए। अब दूसरी तरफ इसी को काउंटर मूवमेंट लेंगे। सांस अंदर लेते हुए राइट आप अपर स्ट्रेस दीजिए, सांस खाली करते हुए राइट हथेली लेफ्ट घुटना के बाहर की ओर लगा दीजिए। अब लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, मेरुदंड सीधा करके ऊपर की ओर स्ट्रेच दीजिए, सांस गहरा अंदर, फिर सांस खाली करते हुए लेफ्ट की ओर टर्न लीजिए। फाइनल स्थिति में नॉर्मल ब्रेथ चालू रखिए, मेरुदंड के ऊपर ध्यान जारी रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस अंदर लेते हुए राइट हैंड हटा लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे से वापस ले आइए, सांस बाहर बैठ जाए। मेरुदंड के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम हाथों के जोड़ों के लिए अपनाएंगे। दोनों हाथ सामने फैला दीजिए, अंगूठा अंदर कर लीजिए, बाकी उंगलियां से मुट्ठी बंद कर लीजिए, कस के सांस अंदर सांस बाहर, उंगलियां फैला दीजिए, सांस अंदर मुट्ठी बंद, एक बार अंगूठा अंदर करेंगे, एक बार बाहर रखेंगे, कस के बंद करना, सांस बाहर सांस अंदर 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 सांस बाहर सांस अंदर। अभी रिस्ट जॉइंट के लिए सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर। नॉर्मल ब्रेथ, मुट्ठी बंद, राउंड घुमाइए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। 1, हाथ सीधा रखे, केवल रिस्ट मूवमेंट देना। 2, 3, 4, 5, उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, मुट्ठी खोल दीजिए, हथेली के ऊपर की ओर, कोहनी के ऊपर अपना ध्यान, सांस बाहर सांस अंदर 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 सांस बाहर। दोनों तरफ फैला दीजिए, थोड़ा आगे पीछे बैठिए, नहीं तो बगल वालों को हाथ लगेगा और योग योग भी बन जाएगा। सांस अंदर सांस बाहर 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 सांस अंदर सांस बाहर। कंधा की जोड़ों के ऊपर अपना ध्यान, सांस बाहर, दोनों कोहनी सामने मिला दीजिए, सांस अंदर अलग रखिए, सांस बाहर सांस अंदर। 3, सांस बाहर सांस अंदर। 4, सांस बाहर सांस अंदर। 5, सांस बाहर सांस अंदर, क्लोज। अभी राउंड घुमाएंगे, कंधा की जोड़ों के ऊपर ध्यान, सांस अंदर लेते हुए कोहनी को सामने से ऊपर उठा लीजिए, पीछे से डाउन करते वक्त सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर सामने मिला दीजिए। 1, सांस अंदर सांस बाहर। 2, सांस अंदर सांस बाहर। 3, सांस अंदर सांस बाहर। 4, सांस अंदर
सांस बहा हाय। अब उल्टा घुमाएंगे, सामने से डाउन कीजिए सांस बहा, पीछे से ऊपर उठाइए सांस अंदर, फिर सामने मिला दीजिए वन, सांस बहा सांस अंदर, टू सांस बहा सांस अंदर, थ्री सांस बाहर सांस अंदर, फोर सांस बाहर सांस अंदर, फाइव रिलैक्स। कंधा तक हमारा अभ्यास हो गया। अगला अभ्यास हम करेंगे गर्दन के लिए। आपका कौन सा घड़ी सच बोलता भाई? ये एक प्रकार बोल रहे हैं, ये दूसरी प्रकार है। तो इंडियन टाइम एक कौन सा टाइम पता नहीं। अच्छा नेक्स्ट नेक एक्सरसाइज, जिनका सर्वाइकल की प्रॉब्लम है अभी नेक एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सावधानी है, जितना मूवमेंट दे सकते हैं उतने में सीमित रहना। हर अभ्यास के तुरंत बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपको मिलेगा। शरीर में हल्कापन, मन में ताजगी भाव, विचार नहीं के बराबर, ये इंस्टेंट ये एक्सपीरियंस तीनों मिलता है। अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रहा है कि मतलब हो सकता है आपका शरीर में कुछ रोग के कारण ये वाइब्रेशन मिल रहा है, नहीं तो गलत तरीका से करेंगे, सांस के रिदिम तोड़ के करेंगे तब जाके नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगा। अभी देखना होगा, चाहे आपको बाहर से इंफॉर्मेशन कोई मिले ना मिले, अपना शरीर ही आपको बता देगा कि आप ठीक कर रहे या नहीं। जो वाइब्रेशन आपको सुखद नहीं हो ऐसा नहीं करना, तनाव के साथ कुछ भी अपनाना नहीं, तनाव के साथ कुछ भी अपनाना नहीं, स्ट्रेसफुल होकर अपनाएंगे नहीं, अपने लिमिटेशन के अंदर। क्या बोल रहे और बाहर तो अपना लिमिटेशन के अंदर जो भी टेक्निक को अपनाएंगे तो हर नस नस में नाड़ी में ऊर्जा की संचार मिलेगा, लेकिन तनाव के साथ करते तो नाजुक से नाजुक नाड़ी दब जाता, ऊर्जा के बहाव बंद हो जाता और रोग का ग्राउंड बनेगा। इसलिए अपना बॉडी लैंग्वेज को समझ के ही टेक्निक को अपनाना होगा। अभी नेक एक्सरसाइज में आंखें बंद रखेंगे, ध्यान लगाएंगे गर्दन के ऊपर और सांस के साथ मिलाते हुए मूवमेंट अपनाइए। सांस खाली करते हुए गर्दन सामने झुकाइए, कंधा तक पूरा स्ट्रेट रखिए बॉडी, केवल गर्दन की मूवमेंट। सांस अंदर लेते हुए मस्तक ऊपर उठा लीजिए और गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। दोहराएंगे, सांस बाहर सामने की ओर, सांस अंदर पीछे की ओर, थ्री सांस बाहर सांस अंदर, फोर सांस बाहर सांस अंदर, फाइव सांस बाहर सांस अंदर, रिलैक्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के बाद अभी साइड मूवमेंट अपनाएंगे, सांस खाली करते हुए गर्दन को अपना राइट की ओर झुका दीजिए, राइट तरफ, लेफ्ट तरफ ज्यादा विस्तार मिलेगा, राइट इस तरफ है। सांस अंदर लेते हुए गर्दन सीधा, सांस बाहर लेफ्ट की ओर, सांस अंदर गर्दन सीधा, दोहराइए, सांस बाहर टुवर्ड्स राइट, सांस अंदर अप, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर। अभी ट्विस्टिंग देंगे,
गर्दन के लिए मोड़ मिलेगी। आंख बंद करते हुए ही सांस खाली करके फेस को टर्न देना है राइट पे, सांस अंदर लेते हुए सामने वापस, सांस खाली करते हुए लेफ्ट की ओर, सांस अंदर लेते हुए सामने वापस, दोहराइए, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, और एक बार सांस बाहर राइट, सांस अंदर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर, रिलैक्स। आखिर में हम राउंड घुमाएंगे, लेकिन जिनका सर्वाइकल प्रॉब्लम आ चुकी है, फुल राउंड नहीं ले सकते, तो एक कंधा से दूसरी कंधा तक पीछे की ओर इतने मूवमेंट में ही सीमित रहेंगे। जिनका वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चिक चक्कर आता, वो आंखें खोला करके ही राउंड लेंगे, और एक राउंड जहां खत्म होगा तुरंत उसी का रिवर्स राउंड ले लेंगे जिनका वर्टिगो की प्रॉब्लम है, और बाकी जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा एक एक तरफ चार चार पांच पांच बार हम राउंड घुमाएंगे सांस के साथ मिलाते हुए। जब भी आगे की मूवमेंट ले रहे तो सांस खाली करेंगे, पीछे की मूवमेंट में सांस अंदर लेंगे, एक सांस के साथ एक राउंड, पीछे सांस भरेंगे, सामने सांस खाली करेंगे, एक सांस के साथ पूरा एक राउंड लेंगे। तो अभी गर्दन को पहले अपना राइट तरफ झुका लीजिए, राइट कंधा से लेफ्ट की ओर सांस अंदर लेते हुए सामने की ओर सांस खाली कर दीजिए, वन कंटिन्यू, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव, स्टॉप। अभी गर्दन को झुका दीजिए अपना लेफ्ट की ओर, लेफ्ट कंधा से राइट की ओर चलिए, सांस अंदर, सामने सांस बाहर, वन, सांस अंदर, सांस बाहर, टू, सांस अंदर, सांस बाहर, थ्री, सांस अंदर, सांस बाहर, फोर, सांस अंदर, सांस बाहर, फाइव, रिलैक्स। ये सीरीज है, एक एक जोड़ करके हम पैर के उंगलियां से शुरू किए, एक एक जोड़ करके टच देते हुए गर्दन तक पहुंच गए, तमाम जोड़ों के लिए एक्सरसाइज मिला, जोड़ों के साथ कनेक्टिंग नर्व्स के लिए भी थोड़ा सा एक्सरसाइज मिला, हल्का सा सारे मसल्स के लिए भी एक्सरसाइज मिल गया। तो तमाम शरीर में ऊर्जा की संचार मिल रहा है, प्राण की संचार मिल रहे हैं। तो अभी आपका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है, ठंडा लग रहा है अभी, गर्म आ गया, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा तमाम शरीर में नस नस में खिल गया, अभ्यास में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, पसीना बहना नहीं पड़ रहा है, साधना को श्रम मत बनाओ बोलते, श्रम से पसीना बहता थकान मिलता, लेकिन इसे में अपना लिमिटेशन में रहते हुए प्राणिक ऊर्जा को तालमेल बैठाते हुए, मन को भी तालमेल बैठाते हुए शारीरिक क्रिया को अपना रहे तब जाके योग बनता। शरीर एक प्रकार के डांस करता रहेगा, इसे अगल बगल वालों के साथ बात करते रहेंगे, सांस अपने तरीका से चलता रहेगा, कहां सांस रुक गया तो लकवा भी आ सकता, ऐसा होता। फिजिकल एक्सरसाइज और योगिक क्रियाएं में ये अंतर है।
जिनको चाहते बैंक पर रनिंग लेते अगल बगल बात करते रहते और शोरगुल के अंदर वो बातें वो सब करते तो अपना पर्सनालिटी अपना व्यक्तित्व को बिखरते हुए कुछ मन अगल बगल वाले के साथ कुछ मन अपना बैल के ऊपर क्रिया कर रहे हैं और प्राण के भी कोई संतुलन नहीं है ऐसा अपना व्यक्तित्व को बांट के और जब भी कोई भी टेक्निक अपनाते तो इसमें व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होता और ऊर्जा का बल भी नहीं मिलता। तो लेकिन योगिक क्रिया में पूरा समत्वम योग उच्चते हार्मोनियल योग अपना शारीरिक क्रिया एक प्रकार चल रहा है मन में दूसरी प्रकार विचार चल रहा है और तीसरी प्रकार हम बोल रहे हैं तो ऐसा व्यक्तित्व को बड़े कठोर शब्द में बताते हमारे शास्त्र शैतान हिपोक्रेसी बोलते मनसी अन्य पचसी अन्य कमणि अन्य दुरात्मना हिपोक्रेट है। तो जो भी हम सोच विचार जैसा चल रहा है ऐसा बोलना और ऐसा करना अपना विचार ऊंचा और आचार तीनों एक साथ होना चाहिए तब जाके महात्मा बनेंगे। तो महात्मा के मतलब नहीं है सिर मुंडवाने वाला को महात्मा बोलते या गेरुआ पहनने वाले को महात्मा बोलते जिनका व्यक्तित्व जिनका दिनचर्या में विचार जैसा है उच्चार ऐसा है और आचार भी तदनुरूप है तीनों में समत्व है तो वो ही महात्मा है। अगर आप सिर मुड़वा भी लो आश्रम में बैठ भी जाओ मंदिर में राम राम भी फेरो कुछ भी करो लेकिन इसी में अगर फासला है आचार एक प्रकार विचार और एक प्रकार और उच्चार तीसरे प्रकार चल रहा है तो ऐसे बटे हुए व्यक्तित्व में बल भी नहीं होता और आत्मिक विकास तो दूर की बात है। तो अभी शारीरिक क्रिया या आसन के बाद चौथा स्टेप में ही प्राणायाम रखा गया है योग विधि में योग विधान में। तो प्राणायाम में प्राण का ही विस्तार किया जाता लेकिन शरीर के जिस सिस्टम के साथ हम प्राणिक क्रिया को अपनाते वो क्रिया अपनाने से पहले हमारे जो श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी में सुधार लाना बहुत जरूरी है और अभी वो राइट चल रही या रॉन्ग है वो जानना जरूरी है और उसी में सुधार लेके अगर प्राणिक क्रिया को अपनाएंगे तब प्राणायाम का फायदा हमको मिलेगा। नहीं तो जो लोग कई सालों से या कई महीनों से वो अपना अभ्यास कर रहे हैं और पूरा सिस्टम को सुधारने के बाद प्राणिक क्रिया को अपना लिए है वो जैसे तरीका से वो एक के बाद दूसरी टेक्निक को अपना रहे हैं उनके साथ अगर हम करने लगेंगे तो एक तो तनाव में भर जाएंगे दूसरा हमको बिगाड़ेगा उसी में सुधार नहीं मिलेगा। आत्म सुधार ही योग है अपने को सुधारे बिना कुछ भी करो रोग है। अभी पहले अपना सिस्टम को सुधारने के लिए राइट ब्रीदिंग का कुछ पॉइंट्स को ध्यान में लेना है। नंबर वन पॉइंट है राइट ब्रीदिंग में नासल ब्रीदिंग नाक से ही सांस होना चाहिए मुख से नहीं। माउथ ब्रीदिंग को रॉन्ग ब्रीदिंग कहा जाता नासल ब्रीदिंग को राइट ब्रीदिंग माना जाता है। किसी का नाक में ब्लॉकेज आ चुका है ब्लॉकेज दूर करना पहला बात है और ब्लॉकेज अगर माइनर है तो योगिक क्रिया हठ योग में कुछ क्रियाएं के प्रयोग करते उसी में भाती और नेति दो क्रिया की प्रयोग करते अपना पैसेज में सुधार लाने के लिए नासल पैसेज में सुधार लाने के लिए अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को दूर किया जा सकता। लेकिन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है ज्यादा ब्लॉकेज आ चुके हैं और क्रियाएं से निकालना मुश्किल पड़ रहा है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट का सलाह लेके उसी में सुधार लाके ही आप टेक्निक को अपनाएंगे तब जाके फायदा मिलेगा। नंबर वन है नासल ब्रीदिंग। नंबर टू जो सांस हम ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उसी के साथ साथ अपने फेफड़ों में कैसा विस्तार मिल रहा है कैसा सिकुड़न मिल रहा है। अपना फेफड़ों में तीन हिस्से है जैसा कि तीन तला बिल्डिंग में नीचे की मंजिल मंजिल वाला और ऊपर का ऐसा ही अपना फेफड़ों का तीन हिस्से है लोअर लॉब्स मिडिल लॉब्स अपर लॉब्स बोलते हैं। तो सांस लेते वक्त इसी में कैसा मूवमेंट मिल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो एक हथेली अपना डायफ्राम अर्थात जहाँ फेफड़ों और पेट की
जो जंक्शन पॉइंट है उधर हथेली लगाइए, दूसरी हथेली अपना छाती के ऊपर लगाइए, सीधा बैठना है, अभी देखना है, आंख बंद करके देखना है, धीरे धीरे गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस खाली करेंगे। सांस लेते वक्त देखना होगा अपना अपना फेफड़ों का विस्तार कैसे मिल रहा है। पहले अपना पेट के ऊपर जो हथेली रखा है वो ऊपर आ रहे पहले, या पहले छाते की जो हथेली पहले ऊपर उठ रहा है उसी को देखेंगे सांस भरते वक्त। ऐसा सांस खाली करते वक्त हम देखेंगे कि पहले पेट की जो हथेली है अंदर जा रहे है या छाती की हथेली अंदर जा रहे है, इसे तो गौर से देखना होगा और फिर पूछेंगे बताना। सीधा बैठना, आंखें बंद कर लेना, धीरे धीरे गहरा सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस खाली कीजिए। और एक बार गौर से देख के रखिए, सांस अंदर, गहरा सांस अंदर। धीरे धीरे सांस बाहर। आप हथेली हटा दीजिए। जिनका सांस अंदर भरते वक्त पेट की हथेली पहले उठा ऊपर आया, हाथ उठाइए, हाथ रखिए। जिनका छाती के हिस्सा पहले विस्तार हुआ, हाथ उठाइए, हाथ रखिए। जिनका पता ही नहीं चला, हाथ उठाइए। माने कौन सा आगे कौन सा पीछे, दोनों बराबर एक साथ ही विस्तार मिल रहा है। अब सब हो रहा है आपका वशिष्ठ जी, आपका सब हो रहा है, यू नो सब में हाथ उठा रहा है। वोट देने के टाइम किसी एक में ही मोहर लगाना पड़ता, सबको अगर लगाएंगे तो कैसे होगा। तो इसी में राइट ब्रीदिंग में सांस लेते वक्त पहले नीचे अर्थात एब्डोमिनल ब्रीदिंग पहले मिलना चाहिए, डायफ्राम का विस्तार पहले मिलता फिर ऊपर के हिस्सा के विस्तार मिलता, तो पेट की हथेली पहले ऊपर आना चाहिए, छाती की बाद में होना चाहिए सांस भरते वक्त, ये राइट ब्रीदिंग है। लेकिन अभी सांस खाली करते वक्त किसी का पेट की हथेली अंदर पहले गया और किसी का छाती की बाद में गया वो बताइए। जिनका पेट की हथेली पहले अंदर गया हाथ उठाइए, हाथ रखिए। जिनका छाती की हथेली पहले अंदर गया हाथ उठाइए, हाथ रखिए। जिनका दोनों में पता नहीं चला, एक साथ ही सिकुड़ने लगा, एक साथ ही विस्तार मिल रहा है, हाथ उठाइए। तीसरा कैटेगरी एक मिनट रहे, रखिए। यहां भी राइट मूवमेंट जो है, सांस खाली करते वक्त पहले ऊपर की हिस्सा पहले खाली होता तो छाती हल्का होता तो छाती की हथेली पहले अंदर जाता और डायफ्राम के सिकुड़न बाद में मिलता तो पेट बाद में अंदर खिंचक जाता। ये मूवमेंट सांस खाली करते वक्त मिलता। सांस लेते वक्त जैसा कि आप बेलून में फूंक मारते तो बेलून का लेटर पार्ट पहले विस्तार होता बाद में ऊपर की हिस्सा में हवा भरता तो ऊपर की विस्तार बाद में होता, अपना फेफड़ों के साथ भी ये मूवमेंट मिलना चाहिए। और बेलून को छोड़ देंगे तो ऊपर का हवा पहले निकल जाता तो ऊपर से रिलैक्स होने लगता और नीचे का बाद में निकल जाता तो नीचे का रिलैक्सेशन बाद में होता, ऐसा फेफड़ों के मूवमेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी तीसरी बार तीसरा पॉइंट को देखना, इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जब भी हम ध्यान से सांस लेना और छोड़ना करते तो डीप ब्रीदिंग फलित होता। नेचुरल ब्रीदिंग आपका कैसा मिल रहा है उसको देखना है। नेचुरल ब्रीदिंग में लेने के टाइम भी मेंटल काउंट देना और छोड़ने के टाइम भी मेंटल काउंट देना, मन ही मन गिनती करना, एक दो तीन चार पांच छह ऐसा नंबर गिनती करना, कितने देर लग रहा है, कितने संख्या मिल रहा है लेने के टाइम और छोड़ने के टाइम कितने संख्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है या कम ज्यादा हो रहा है वो देखना होगा। अभी इसी को खुद देख के मुझे बताना है, मैं थोड़े देर चुप रह रहा हूँ, आप अपने अपने सांस देख लीजिए दो तीन बार। नेचुरल ब्रीदिंग जो नेचुरल चल रहा है, कुदरती जो चल रहा है उसी को देख के बताना होगा। आंख बंद कर लीजिए और देखिए अपना अपना सांस को गिनती कीजिए, लेते वक्त भी गिनती कीजिए, छोड़ते वक्त भी गिनती कीजिए।
अब मुझे बताइए, जिनका अंदर लेने वाले सांस ज्यादा संख्या मिल रहा है हाथ उठाइए, जिनका छोड़ने वाले सांस लंबा या ज्यादा संख्या हो रहा है हाथ उठाइए, जिनका दोनों बराबर हो रहा है हाथ उठाइए, रखिए। इसी में भी राइट ब्रीदिंग में लेने और छोड़ने में छोड़ने की हिस्सा लंबा होता, लेने की हिस्सा छोटा होता। लेना एक्टिव है, जो नेचुरल ब्रीदिंग में लेना एक्टिव है, हम ये अपना इतना आदत पड़ चुका है बचपन से, तो ये एफर्ट जैसा नहीं लगता हमको, लेकिन लेना हमारे तरफ से लेना हो रहा है, छोड़ना अपने आप हो रहा है। तो छोड़ने में हम कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, तो अपने आप सांस निकल रहा है, तो धीरे धीरे होता। छोड़ना पैसिव है, लेना एक्टिव है, नेचुरल ब्रीदिंग में। इसलिए जो एक्टिव है वो जल्दी होता, जो पैसिव है धीरे धीरे तो लंबा होता। तो ये नेचुरल है, ये 30 पॉइंट में सुधार लाना चाहिए प्राणायाम को प्रवेश करने से पहले। और ये नासल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, ये सारे सिस्टम में सुधार लाने के लिए क्रियाएं की प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा गया है, व्हेन हठ योग एंड्स राजयोग बिगिंस। हठ योग में परफेक्शन नहीं आने तक राजयोग में प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि राजयोग का मुख्य साधना है ध्यान, राजयोग का मुख्य उद्देश्य समाधि। तो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और सुप्रीम हार्मोनी, ये राजयोग है। उससे पहले जो विधि है सब हठ योग का हिस्सा है। तो अपना फेफड़ों में सुधार लाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए जो क्रियाएं है वो यहाँ आप जो हम अपना सकते हैं वो करेंगे। कपालभाति, समय खत्म। तो कपालभाति का नाम ही आप याद रख लीजिए, कल इसी को शुरू करेंगे। अभी प्रार्थना के साथ ही क्लोज करेंगे, दोनों हाथ घुटने के पश्चिम मुद्रा के साथ, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, लंबा गहरा सांस अंदर। 3 बार ओंकार के उच्चारण करेंगे, गहरा सांस अंदर,